रतलाम जिले के नामली में सेलाना रोड स्थित आश्रम में बाबा देवेंद्र गिरी की सूझबूझ से चंदन के चोरों को चोरी में विफलता हाथ लगी है। लाख कोशिशों के बावजूद भी चंदन का पेड़ काट कर ले जाना विफल रहा। आश्रम के बाबा देवेंद्र गिरी ने बताया कि 5 में से 2 बदमाश खटिया के पास खड़े रहे और 3 बदमाशों ने आश्रम परिसर में लगे चंदन के पेड़ को काट लिया। जैसे ही बदमाश पेड़ लेकर जाने लगे तो मेरे खटिया के पास रखी लकड़ी उठाई और चिल्लाया तो सभी बदमाश भाग खड़े हुए। बाबा ने बताया कि सभी 5 ही बदमाश ने पैंट शर्ट टी शर्ट पहन रखी थी। पिछले दिनों हृदयेश्वर महादेव मंदिर में भी चोरी हुई थी और चोर CCTV कैमरे में कैद भी हो गए थे, मगर चोरों को पुलिस ने अभी तक पकड़ नहीं पाई है और फिर से ये चंदन की चोरी की असफल घटना हो गई, जिससे लगता है कि पुलिस इन चोरियों पर लगाम लगाने में असफल रही है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। हम तो विश्राम में थे, सुबह 3:45 का टाइम था ये, तो 5 लोग तीनों हमारे इधर खड़े हो गए आकर के, 2 इधर, और हमें जगा करके बोले कि सोए रहो, आवाज़ नहीं करना। लेकिन हम बैठ गए उसके बाद भी, उनके बोलने के बाद भी, तो उनमें से 3 उधर काटने के लिए चले गए, 2 मेरे पास एक गुप्ती लेके और एक राड लेके खड़ा रहा। हाँ, जब कट गया उनका पेड़ उन्होंने उधर से काट दिया, तो उन्होंने आवाज़ लगाई बंदे को कि गाड़ी लेके आ। वो गाड़ी लेने के लिए यहाँ से थोड़ा सा हिला तो मेरे को थोड़ा गैप मिला, मौका मिला, तो मेरे पास ये लकड़ी थी। हाँ, तो ऐसे मैंने उनको भगाया सबको। कितने जने होंगे? 5 जने थे। 5 जने थे। कोई पहचान में नहीं आया आपके? देखा तो मैंने सभी को, 5 को देखा, अच्छी तरीके से देखा।